कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। अपन पढ़ रहे थे साइंस, और साइंस में अपन ने पिछली क्लासों में अम्ल और क्षार के बारे में जाना था। अम्ल के बारे में एक क्लास में अच्छे से पढ़ा था, किसे कहते हैं, अम्ल के उदाहरण देखे थे, क्षार पढ़ा था, क्षार किसे कहते हैं, और पीएच भी पढ़ा था। लेकिन आज की क्लास में पढ़ने वाला है सूचक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सूचक को इंग्लिश में अपन बोलते हैं इंडिकेटर्स। सूचक को बोलते हैं अपन इंग्लिश में इंडिकेटर्स। अब अपन आज की क्लास में इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे। दूसरा, इसके कितने प्रकार होते हैं, फिर उन प्रकारों के डेफिनेशन देखेंगे, और उन डेफिनेशन के बाद में अपन उन प्रकारों के एग्जाम्पल देखेंगे, किस प्रकार के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, VVI। शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे सूचक। देखो सूचक का काम क्या होता है, अपन ने पीएच वाली क्लास में पढ़ा था कि एक से लेकर सात तक और सात से लेकर 14 तक, यहां तक यानी कि यहां तक तो हो जाएंगे आपके एसिड, यहां तक हो जाएंगे आपके बेस, और जो सातवां नंबर है आपका ये होगा आपका न्यूट्रल यानी कि उदासीन, ये आपका न्यूट्रल उदासीन हो गया। तो पीएच एक से लेकर सात तक यानी कि एक से लेकर छह तक मानो अम्ल होते हैं, सात से आप देखिए यानी कि 14 तक आपके क्या होते हैं, क्षार, और जो सातवां नंबर का होता है वो आपका उदासीन होता है। तो अब ये सोचे क्या करते हैं कि ऐसे पदार्थ नहीं ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन की अम्लीयता, एक वर्ड लिया अपन ने अम्लीयता, अम्लीयता इसे इंग्लिश में बोलते हैं अपन एसिडिटी, इंग्लिश में बोलते हैं अपन एसिडिटी, अम्लीयता तथा क्षारकता, एक वर्ड लिया अपन ने क्षारकता, क्षारकता को बोलते हैं अपन बेसिडिटी, बेसिडिटी। तो ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन की अम्लीयता तथा क्षारकता की पहचान करवाने में सहायता करते हैं उन्हें ही अपन इंडिकेटर सूचक कहते हैं। समझो वापस याद रखो कि ऐसे पदार्थ, देखो सूचक क्या है, ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन की अम्लीयता तथा क्षारकता की पहचान में सहायता करवाते हैं उन्हें ही अपन सूचक कहते हैं। आई होप आपको याद हुई होगी कि ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन की अम्लीयता तथा क्षारकता की पहचान करवाने में, अम्लीयता तथा क्षारकता की पहचान करवाने में सहायता करते हैं उन्हें ही अपन सूचक कहते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, एक तो किसकी, अम्लीयता की, दूसरा क्षारकता की। ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन की अम्लीयता तथा क्षारकता की पहचान करवाने में सहायता करते हैं उन्हें ही अपन सूचक कहते हैं। डेफिनेशन देख लिए अपन ने, बात करते हैं इसके टाइप्स पर। तो सूचक आपके होता है थ्री टाइप्स का, तीन प्रकार होते हैं सूचक के। फर्स्ट होता है आपका नेचुरल इंडिकेटर्स, फर्स्ट होता है आपका नेचुरल इंडिकेटर्स, सेकंड होता है आपका सिंथेटिक, सिंथेटिक इंडिकेटर्स यानी कि कृत्रिम सूचक, और थर्ड हो जाएगा आपका, देखो फर्स्ट आपका नेचुरल इंडिकेटर्स यानी कि प्राकृतिक सूचक, सेकंड है कृत्रिम सूचक यानी सिंथेटिक इंडिकेटर्स, और लास्ट हो जाएगा आपका ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स इसे हिंदी बोलते हैं अपन गंध सूचक। तो सूचक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन की अम्लीयता तथा क्षारकता की पहचान करवाने में सहायता करते हैं उन्हें पर सूचक कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। उसके बाद में सूचक आपके तीन प्रकार के, फर्स्ट आपका नेचुरल इंडिकेटर्स यानी कि प्राकृतिक सूचक, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर्स यानी कि कृत्रिम सूचक, थर्ड है आपका ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यानी कि इसे क्या बोलते हैं अपन, गंध सूचक। नेचुरल इंडिकेटर्स प्राकृतिक सूचक, सिंथेटिक इंडिकेटर्स कृत्रिम सूचक, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स इसे बोलते हैं अपन गंध सूचक। अपन इसके प्रकार जान लिए, अब इन प्रकारों को भी डेफिनेशन देखते हैं अपन। तीन प्रकार होते हैं आपने याद कर लिया होगा, नेचुरल, सिंथेटिक और ओल्फैक्टरी, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंध सूचक। अब बात करते हैं फर्स्ट टाइप पर, वो है आपका नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर्स हिंदी में बोलते हैं इसे प्राकृतिक सूचक। तो देखो सूचक का काम तो जो
शुरू में क्या है इसके? प्राकृतिक, लास्ट में सूचक। सूचक का काम तो क्या होता है? किसी विलयन की अम्लीयता तथा क्षारकता की पहचान करवाने में सहायता करता है। अब यहाँ पर एक वर्ड जुड़ा है नेचुरल, इसका मतलब क्या होता है? तो प्राकृतिक का मतलब होता है ऐसे सूचक जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त है तथा जिनका उपयोग हम किसी विलयन की अम्लीयता तथा क्षारकता की पहचान करवाने में करते हैं उन्हें अपन प्राकृतिक सूचक कहते हैं। ऐसे सूचक, प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? ऐसे सूचक जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं तथा जिनका प्रयोग हम किसी विलयन की अम्लीयता तथा क्षारकता की पहचान करवाने में करते हैं उन्हें ही अपन प्राकृतिक सूचक कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा इसका लिटमस पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है लिटमस पेपर। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा हल्दी। तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका चुकंदर। ये सभी प्राकृतिक सूचक के एग्जाम्पल उदाहरण है। फोर्थ हो जाएगा आपका पेटूनिया की पंखुड़िया, पेटूनिया की पंखुड़िया, ये आपका फोर्थ एग्जाम्पल हो जाएगा। फिफ्थ एग्जाम्पल हो जाएगा आपका देखो लिटमस पेपर, हल्दी, चुकंदर, पेटूनिया की पंखुड़िया और एक हो जाएगा आपका जीरानियम फूल की पंखुड़िया, जीरानियम फूल की पंखुड़िया। पांच एग्जाम्पल, एक तो लिटमस पेपर, दूसरा हल्दी, तीसरा चुकंदर, फिर चौथा पेटूनिया की पंखुड़ी और पांचवा है जीरानियम फूल की पंखुड़िया और एक एग्जाम्पल और होता है वो होता है आपका लाल गुलाबी बंद गोभी। एक एग्जाम्पल और होता है आपका लाल गुलाबी बंद गोभी। ये सभी आपके प्राकृतिक सूचक के उदाहरण है, एग्जाम्पल है। फर्स्ट लाल गुलाबी बंद गोभी, सेकंड लिटमस पेपर, थर्ड हल्दी, फोर्थ चुकंदर, फिफ्थ क्या हो गया अपना पेटूनिया की पंखुड़ी, सिक्स क्या हो गया जीरानियम फूल की पंखुड़िया। मेन टॉपिक है अपना सूचक, उसके थ्री पार्ट्स, नेचुरल, सिंथेटिक और ओल्फैक्टरी, प्राकृतिक, कृत्रिम, गंध। प्राकृतिक सूचक पर बात की अपन ने, ऐसे सूचक जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त है तथा जिनका उपयोग हम किसी विलयन की अम्लीयता तथा क्षारकता की पहचान करवाने में करते हैं उन्हें ही हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। इनके एग्जाम्पल देख लिए छह, जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका लिटमस पेपर। देखो लिटमस पेपर लाइकेन नाम का एक सजीव होता है, उससे ये प्राप्त होता है। बस इतना जान लेते हैं कि लिटमस पेपर लाइकेन नामक सजीव से प्राप्त होता है और लाइकेन कवक प्लस शैवाल का मिश्रण होता है। जहां लाइकेन पाया जाता है वहां SO2 की मात्रा बहुत ही कम होती है और ये प्रदूषण सूचक होता है, यानी कि प्रदूषण को सूचित करता है। ये अपन ने देख लिया प्राकृतिक सूचक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं कृत्रिम सूचक पर। प्राकृतिक सूचक तो क्या है कि इसमें जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, ऐसे सूचक जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं कृत्रिम सूचक पर, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। कृत्रिम का मतलब समझ गए होंगे आप, कृत्रिम का मतलब होता है जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा होता है। तो इसकी डेफिनेशन अच्छे से बन जाएगी, ऐसे सूचक जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है तथा जिनका प्रयोग विलयन की अम्लीयता तथा क्षारकता की पहचान करवाने में किया जाता है। प्रकृति में क्या था, ऐसे सूचक जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। कृत्रिम में क्या है, ऐसे सूचक जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एक एग्जाम्पल हो जाएगा इसका मिथाइल ऑरेंज, एक हो जाएगा इसका मिथाइल ऑरेंज, दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका फिनाफ्थलीन, दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका फिनाफ्थलीन। तो ये आपके जो कृत्रिम सूचक है, इंग्लिश में बोलते हैं अपन सिंथेटिक इंडिकेटर्स, इसका एग्जाम्पल एक तो मिथाइल ऑरेंज, दूसरा फिनाफ्थलीन। बात करते हैं थर्ड टाइप पर, थर्ड टाइप था अपना ओल्फैक्टरी यानी कि गंध सूचक, गंध सूचक। तो ऐसे सूचक जो गंध की सहायता से, ऐसे सूचक जिनमें गंध की सहायता से किसी विलयन की अम्लीयता तथा क्षारकता की पहचान कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे सूचक होते हैं जिनमें गंध की सहायता से किसी विलयन की अम्लीयता तथा क्षारकता की पहचान कर सकते हैं उन्हें अपन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यानी गंध सूचक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल एक तो हो जाएगा ओनियन, जैसे कि प्याज, ओनियन को हिंदी बोलते हैं अपन प्याज,
दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका वेनिला। वेनिला एक तो हो गया ओनियन, दूसरा वेनिला। अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेनिला का सबसे अधिक उत्पादन कौन से देश में होता है। तो एक कंट्री है मेडागास्कर, उसमें सबसे अधिक वेनिला का उत्पादन होता है। एक कंट्री है मेडागास्कर, उसमें सबसे अधिक वेनिला का उत्पादन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार रिवीजन करते हैं। अपन पढ़ रहे हैं सूचक, इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर्स, ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन की अम्लीयता तथा क्षारकता की पहचान करवाने में सहायता करते हैं उन्हें अपन सूचक कहते हैं। बाद में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, देर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, वन इज नेचुरल इंडिकेटर्स, सेकेंड इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स और थर्ड है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंध सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या देखा था, ऐसे सूचक जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त है तथा जिनका उपयोग हम किसी विलयन की अम्लीयता तथा क्षारकता की पहचान करवाने में करते हैं उन्हें ही अपन प्राकृतिक सूचक यानी कि नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। उसके बाद में उसका एग्जाम्पल देखें, लिटमस पेपर, लाल गुलाबी बंद गोभी, जिरेनियम फूल की पंखुड़िया, पेटोनिया की पंखुड़िया, हल्दी और चुकंदर। बाद में अपन ने देखा कृत्रिम सूचक यानी कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब ऐसे सूचक जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है तथा जिनका प्रयोग हम किसी विलयन की अम्लीयता तथा क्षारकता की पहचान करवाने में करते हैं उन्हें ही अपन कृत्रिम सूचक कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया मिथाइलोनेंस, दूसरा फिनाफ्थलीन, थर्ड है आपका गंध सूचक, इसे बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये कुछ ऐसे सूचक होते हैं जो गंध की सहायता से किसी विलयन की अम्लीयता तथा क्षारकता की पहचान कर सकते हैं उन्हें ही अपन गंध सूचक कहते हैं। एग्जाम्पल ओनियन और वेनिला। अब वेनिला का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है, आपका मेडागास्कर सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।